नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 18 नवंबर 2019 की तारीख सोमवार का दिन संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। ये राज्यसभा का 250वां सत्र है। इस सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया, साथ ही सभी पार्टियों से अपील की कि हर तरह के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें और प्रोडक्टिव तरीके से काम करें। पीएम ने कहा कि सांसद पिछले सेशन की तरह ही इस सेशन में भी जरूरी मुद्दों को तवज्जो दें। पिछले सेशन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिली, मोटर व्हीकल बिल पास किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास किया गया, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताने वाला बिल भी पास किया गया। 2019 का विंटर सेशन 13 दिसंबर 2019 तक चलेगा। 26 दिनों के सेशन में कुल 20 बैठकें होंगी। 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की साझा बैठक भी होगी। मौका होगा संविधान को अपनाने की 70वीं सालगिरह का। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर दस्तखत किए थे। लगभग 3 साल की मशक्कत के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। अब थोड़ा संसद के बारे में बात करते हैं। पहले समझिए संसद के कितने सत्र होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में संसद में एक साल में 3 सेशन होते हैं। पहला है बजट सेशन, फरवरी से मई के महीने तक। 1994 में बजट सेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हिस्से में बजट पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, दोनों सदनों में बजट पास होता है। उसके बाद 1 महीने के लिए सेशन को स्थगित कर दिया जाता है। इस 1 महीने में संसद की स्थायी समिति अलग अलग कामों के लिए मांगे खर्च का आकलन करती है। 1 महीने बाद फिर से बजट सत्र की बैठक होती है। इसमें स्थायी समिति के आकलन के हिसाब से बजट को फाइनल किया जाता है। दूसरा है मानसून सेशन, ये चलता है जुलाई से अगस्त तक। तीसरा है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक चलता है। किसी भी मुद्दे पर अगर सरकार नया कानून बनाना चाहती है, बदलाव चाहती है, या फिर यदि किसी सांसद की कोई मांग है या वो किसी कानून में बदलाव चाहते हैं, तो वो इन सेशंस के दौरान बिल पेश करते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में कोई पुराना बिल अटका पड़ा हो तो उस पर भी बात आगे बढ़ाई जाती है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के स्पीकर्स को सत्र शुरू करने के लिए कह सकते हैं। फिर आती है विशेष सत्र की बात। संविधान विशेष सत्र बुलाने की भी व्यवस्था है। जब संसद में कोई सत्र ना चल रहा हो और किसी खास बिल पर जरूरी चर्चा करनी हो तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। किसी भी बिल को कानून में तब्दील करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है। इसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का दस्तखत होते ही बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की मंजूरी की दरकार नहीं होती है। अब बात संसद की संरचना की। भारत में 2 सदनों वाली व्यवस्था है। ये व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के सिस्टम से। वहाँ की संसद में हाउस ऑफ द कॉमन्स और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स नाम के 2 सदन हैं। भारत की संसद 3 संस्थाओं से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई बिल कानून की शक्ल तभी लेगा जब उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा लिया जाएगा और फिर बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाए। तो ये थी देश की संसद के कामकाज की बेसिक प्रक्रिया। चलते चलते लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। पहले लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर हो सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। फिलहाल लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिनमें से 543 चुनकर आए प्रतिनिधियों के लिए हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। लोकसभा के एंग्लो इंडियन सांसदों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के सांसद वोट करके चुनते हैं। लेकिन लोकसभा जरूरी क्यों है? देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, इतने सारे लोग अगर एक साथ अपनी बात रखने लगे तो क्या होगा, भसड़ मच जाएगी। इसीलिए अपनी बातों, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजती है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा का हाथ ऊपर होता है। राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। आप जानते हैं लोकसभा का सांसद कौन बन सकता है? इसके लिए कुछ बेसिक जरूरतें हैं, उसको पूरा कर ले तो आप भी सांसद बनने के दावेदार हो सकते हैं। पहली तो ये कि आपकी उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा हो, आप भारत के नागरिक हो, आप मानसिक तौर पर दिवालिया ना हो, आपको किसी कोर्ट के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अक्षम ना ठहराया गया हो, आप भारत के किसी संसदीय क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा को कार्यकाल के बीच में भंग भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है।
1952 में स्थापना से लेकर अब तक राज्यसभा का काम कभी बंद नहीं हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसे ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल के बाद इस सदन के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इस वक्त राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 सदस्यों की है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 मनोनीत सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के महारथी होते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर कौन बन सकता है? इसके लिए उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो और वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो, मानसिक तौर पर दिवालिया ना हो और उसे किसी कोर्ट के द्वारा अक्षम ना ठहराया गया हो। तो ये थी संसद के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां। ऐसे और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।